सैमसंग के एक मॉडल ने 2023 में, सिर्फ एक मॉडल ने $3 बिलियन का मुनाफा दिया सैमसंग को। कि आपको पता है ईयर 2023 में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एक प्लेयर, एक बादशाह, एक हीरो ऐसा भी था जिसने अकेला 2.5 करोड़ पीस अपने आप को बेच के मनवा दिया 2023 में। तो जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ही वो मॉडल है जो कि ईयर 2023 में 2.5 करोड़ पीस सेल आउट हुआ Q4 2023 निकाल के। अगर Q4 भी अगर हम डाल दें अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023, तो ये फिगर कोई 3.25 करोड़ डिवाइसेस के करीब पहुंच जाएगा। सैमसंग ने खाया एप्पल आईफोन का मार्केट शेयर 2023 में। जी हाँ, आईफोन ये समझ रहा था कि आईफोन 15 से वो सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra का शेयर खा जाएगा, उसको गायब कर देगा, लोग पूजा करेंगे आईफोन 15 की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईफोन ने जो बहुत सारे बग्स के साथ लॉन्च किया अपना आईफोन 15, सैमसंग ने उसको दोबारा चैलेंज करा अपनी UI 6.0 रिलीज करके और लोग सैमसंग की तरफ वापस चले गए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या ये 2024 में सैमसंग अपनी नई डिवाइस, फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra के साथ वही सब कुछ रिपीट कर पाएगा जो सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra ने किया 2023 में? क्या आप सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra को देखना चाहते हैं? नहीं। जो सैमसंग ने अभी तक रिलीज नहीं किया, तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं, मैनी मैनी बेस्ट विशेज फ्रॉम द चैनल ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो आपको बताते चलें कि ईयर 2023 में हीरो ऑफ द ईयर का अवार्ड किस प्रोडक्ट को मिलने जा रहा है और कौन सा मोबाइल है जो अपनी स्पेसिफिकेशंस, अपने फीचर्स और अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके No. 1 रेटिंग्स के ऊपर रहा। हम एक एक करके उसके बेस्ट सेलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उसका सेहरा जा रहा है और उसका ताज और क्राउन जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra को। तालियां बिल्कुल बजनी चाहिए और एप्रिसिएशन टू द होल सैमसंग टीम। बट वी नीड टू चेक दैट वो कौन से अनासर थे, वो कौन सी वजूहात थी। ऑल्दो कि सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra की मार्केटिंग कैंपेन भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं की गई। ऐसा नहीं हुआ कि साल में कोई $200 मिलियन की मार्केटिंग कैंपेन चला दी गई हो सैमसंग S23 Ultra के लिए, लेकिन ये वो मॉडल है जो करोड़ों में सेल आउट हुआ सैमसंग का। और इतना बेहतरीन सेल आउट हुआ कि सैमसंग को इसका एक अपना S23 फैन एडिशन भी मोबाइल फोन निकालना पड़ा एक कम स्क्रीन रेशियो में। चले बात करते हैं डिटेल में कि सैमसंग S23 Ultra के ऐसे कौन से फीचर्स थे जिससे कस्टमर ने कहा कि ये फीचर उसको और किसी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म बेस्ड मोबाइल फोन में नजर नहीं आया। सबसे पहली चीज 6.8 इंच का डिस्प्ले। ये डिस्प्ले सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, शोमी है, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, उसके अलावा आप रेडमी सीरीज में चले जाएं, उसके अलावा आप ओप्पो वीवो सीरीज में चले जाएं, आप रियलमी सीरीज में चले जाएं, वन प्लस सीरीज में चले जाएं, सब नहीं ऑलमोस्ट 6.8 इंच के डिस्प्ले को यूज़ किया है। लेकिन सैमसंग ने जो अपना ये डिस्प्ले बनाया है, आपको पता होगा कि सैमसंग जो है वो डिस्प्लेज अपने खुद ही बनाता है और बाकायदा बनाता भी है और दूसरों को बेचता भी है, दूसरे सप्लायर्स को, दूसरे ब्रांड्स को बेचता भी है। तो इस डिस्प्ले की सबसे बेहतरीन बात कि दैट वॉज सुपर एमोलेड डिस्प्ले और उसकी जो पीक ब्राइटनेस लेवल थी वो थी 1750। जी हाँ, पीक ब्राइटनेस वॉज 1750 nits और जो रेगुलर nits जो सैमसंग ने बताए थे वो थे 1280 से लेके 1500 nits। और अगर हम बात करते हैं आईफोन कैटेगरी में आईफोन 14 प्रो मैक्स की, या इस साल 15 प्रो मैक्स 2023 में लॉन्च हुआ अक्टूबर में, तो उसकी भी पीक ब्राइटनेस लेवल इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि 1750 nits की पीक ब्राइटनेस सैमसंग दे पाया अपनी सुपर एमोलेड LCD में जो उसने S23 Ultra में यूज़ करी। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें
तो ये मोबाइल वेरिएंट 6GB, 8GB और 12GB में तीन वेरिएंट में दस्तियाब था। ज़्यादातर 8 और 12 जो है वो ज़्यादा सेल आउट हुआ। 6GB शुरू में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लेकिन फिर उसको कट ऑफ कर दिया। ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी 1 फरवरी 2023 को और इसका जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराया गया था मार्केट में वो स्टार्ट हुआ था 17-18 फरवरी 2023 से। और हमने भी ये कवर किया था, आपको याद होगा कि जब हमने अपने चैनल का आगाज़ किया था 27 फरवरी 2023 में बार्सिलोना स्पेन से, तो वहीं पे सैमसंग ने ये फ़ोन अपनी फ्लैगशिप का लॉन्च भी किया था, सैमसंग गलेक्सी S23 अल्ट्रा अपने बूथ के ऊपर भी लगाया था। तो वहाँ से सैमसंग का सफ़र शुरू हुआ और असल में जो काया पलटी, जो दुनिया बदली और हालात बदले सैमसंग के, वो बदले मई 2023 के बाद, क्योंकि फर्स्ट फेस में ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द प्राइस। और लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ स्पेसिफिकेशन ही तगड़ी है, सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन सैमसंग ने क्या किया, मज़ीद अपनी स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट करा अपनी मार्केटिंग कैंपेन में, बजाय इसके कि वो प्राइस हाईलाइट करते या कहते कि कन्वीनियंट फ़ोन है, ये प्राइस कैटेगरी में बहुत अच्छा फ़ोन है। उन्होंने किसी ब्रांड को फोकस नहीं किया कि किसी को नीचा दिखाएं, किसी को बड़ा दिखाएं, किसी को छोटा दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं किया सैमसंग ने। क्या बात है, उन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट करा, वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकेशन। आपने सबसे ज़्यादा वीडियोस जो 2023 में सैमसंग गलेक्सी S23 अल्ट्रा की देखी हैं वो आपने मून कैप्चरिंग वीडियोस देखी होंगी। जी हाँ, लोग खड़े खड़े रात को थक करके 100x जूम दबा के, 120x जूम दबा के आपको दिखा रहे होते थे कि भाई मून कैप्चरिंग कैसे सैमसंग S23 अल्ट्रा में होती है। तो शुरू के 2 महीने सैमसंग ने फोकस करा अपनी मून कैप्चरिंग टेक्निक को और हाईलाइट किया अपना ये फीचर। इसके बाद अगर जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में सैमसंग ने वीडियो इमेज स्टेबलाइजेशन को हाईलाइट किया कि भाई अगर मूवी अगर आप बना रहे हैं और आपके सामने फ्रंट मूविंग ऑब्जेक्ट है, या अगर स्टेबल ऑब्जेक्ट है और आपका मोबाइल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में या किसी भी रैंडम पोजीशन में, तो सैमसंग का जो सेंसर है दैट गिव यू द बेस्ट वीडियो इमेज स्टेबलाइजेशन। ये इन्होंने हाईलाइट करना शुरू करा जून के बाद, यानी मई से इन्होंने हाईलाइट कर, अप्रैल से इन्होंने शुरू कर दिया था मून कैप्चरिंग। तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भरमार नज़र आ रही थी, लाखों वीडियोज़ रिलीज हुई कि लोग सैमसंग गलेक्सी S23 अल्ट्रा से मून कैप्चर कर रहे हैं और बाकायदा चांदनी रात दिखा रहे हैं सारे अपने व्यूअर्स को। तो सैमसंग ने पहली फेज़ में वो कैच किया। दूसरे फेज़ में इन्होंने वीडियो इमेज स्टेबलाइजेशन को कैच किया कि भाई अगर फ़ोन हिल रहा है या ऑब्जेक्ट हिल रहा है तो सबसे अच्छा कैमरे का सेंसर आपको सैमसंग ही में मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूं तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो प्रोसेसर, ऑल्दो कि ये जो प्रोसेसर सैमसंग ने यूज़ करा है ये बाकी एंड्रॉयड प्लेयर्स और बाकी दूसरे ब्रांड्स ने भी, जिसमें आपका रेड मैजिक प्रो है, जिसमें आपका रेडमी है, जिसमें आपका शॉमी है, जिसमें आपका ओप्पो रेनो की 10 सीरीज़ है, वीवो के आपकी V29e वाला सीरीज़ है, उन्होंने भी ये प्रोसेसर यूज़ करे, लेकिन सैमसंग जो है वो सबसे ज़्यादा कैश कर पाया इस प्रोडक्ट को और इन प्रोसेसर को अपने गलेक्सी S23 अल्ट्रा में। अच्छा, जब सैमसंग के कैमरे की इतनी बात हुई गई है S23 अल्ट्रा की, तो बताते चलें कि इसके क्वाड कैमरा में एक कैमरा 200 मेगापिक्सल का था, अदर कैमरा 10 मेगापिक्सल का था जो टेलीफोटो था, और एक और 10 मेगापिक्सल का कैमरा था और एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा था जो कि मेन वीडियो स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा था। और यहाँ मैं बताता चलूँ, जो इनका 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा था उसकी जो फोकल लेंथ थी दैट इज़ 1/3.5, यानी 1/3.5 डिवाइड करके जो फिगर आएगा, इतना फोकल लेंथ के ऊपर इतनी सी विंडो खुलेगी जब वो लाइट वो कैप्चर कर सकता है। तो दैट वाज द रीज़न कि सैमसंग ने जो 4 क्वाड कैमराज यूज़ करे थे वो इतने तगड़े थे कि लोगों ने किसी और मोबाइल फ़ोन को इस लीग में एक्सेप्ट ही नहीं किया कि सैमसंग से बेहतर हो सकता है। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो दैट वाज 12 मेगापिक्सल आल्सो, और जो क्वाड कैमरा में जो 10 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा था वो 120 डिग्री का वाइड एंगल कैमरा था। और अगर आप बात करते हैं कि बैटरी की, तो बैटरी ने सैमसंग में नॉर्मल बैटरी ही यूज़ करी जो कि 5000 mAh की थी, और जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया जो प्रोसेसर यूज़ हुआ दैट इज़ स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 जो कि बाकी दूसरे ब्रांड्स ने भी यूज़ किया। अगर चार्जर की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताते चलें कि इसमें सैमसंग ने 45 वॉट का वायर्ड चार्जर दिया था, और ये इतना अच्छा चार्जर था कि बाकी सैमसंग को कुछ चेंज नहीं करना पड़ा ईयर 2023 में, ना ये 33 वॉट पे गए, ना ये 65 वॉट पे गए कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी महंगा हो जाए, बीच में रहे 45 वॉट का चार्जर में। और उन्होंने क्लेम किया था कि 30 मिनट के ऊपर 65% फ़ोन चार्ज हो जाएगा, जो कि एक्चुअली तकरीबन 58% चार्ज हो रहा है, हमने खुद भी टेस्ट किया, आपको रिपोर्ट में भी दिखाया और अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी दिखाया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ
कि आपने अभी थोड़े दिन पहले पिछले 1.5-2 महीने में G99 MediaTek प्रोसेसर का बहुत शोर सुना होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स और लोकल ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इंतुतु बेंचमार्क चेक करें जिससे पता चलता है प्रोसेसर को स्ट्रेस देने के बाद कि इस प्रोसेसर का बेंचमार्क क्या है, क्या स्कोर क्या है इंतुतु बेंचमार्क का, तो आपने देखा होगा इवन G99 MediaTek 8+256 के साथ, 6+128 के साथ और इवन 8+128 के साथ आपको 4-4.5 या मैक्सिमम 5 लाख का स्कोर देता है एंटूटू बेंचमार्क के साथ। अगर मैं आपको सैमसंग के 8+256 GB S23 Ultra वेरिएंट का एंटूटू बेंचमार्क बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, ये लाखों में नहीं है, ये कोई 5-6-7-8 लाख नहीं है, इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है 1.23 मिलियन। जी हाँ, और ये जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज 8+256, और ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि सैमसंग ने प्रूफ किया कि क्वालिटी में वो किसी से कम नहीं है। एंड स्टिल जिस तरह से बाकी होम अप्लायंस में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग इज ऑलवेज रिमेन नंबर वन, तो मोबाइल कैटेगरी में अगर हम एंड्रॉयड का बादशाह और एंड्रॉयड का शहंशाह अगर किसी को लकब देना चाहें तो दैट इज स्टिल सैमसंग ही वो बादशाह है और वो किंग है हमारी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का, जो इतना हाई स्कोरिंग क्वालिटी रेशो देता है। एंड ये स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 जो है ये अकेला सिर्फ सैमसंग ने यूज़ नहीं किया, ये क्वालकॉम एक कंपनी है विच इज़ अ US बेस्ड कंपनी, ये बाकी ब्रांड्स को भी अपना चिपसेट देते हैं। और अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं MediaTek और स्नैपड्रैगन में हाई एंड चिपसेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि G99 भी एक अच्छा चिपसेट है, उसके अलावा भी अगर आप बात करते हैं डायमेंसिटी सीरीज भी है MediaTek की, डायमेंसिटी 8020 है, 8030 है, 8000 सीरीज उससे पहले हुआ करती थी, यानी वो भी कंटिन्यू है, 1.5 साल पहले वो लॉन्च हुई थी। तो डायमेंसिटी का भी जो एंटूटू बेंचमार्क है वो 8 लाख 9 लाख 8+256 12+256 मेमोरी के साथ आपको नज़र आ जाता है। लेकिन सैमसंग ने 1 साल पहले यानी फरवरी में ही स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 के साथ अपनी हाई एंड क्वालिटी के साथ सारे बेंचमार्क को बिल्कुल किल कर दिया और 1.23 मिलियन का बेंच स्कोर दिया सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ने। और जिस तरीके से अभी आपको हमने इसी वीडियो में बताया कि सैमसंग ने अपनी स्पेसिफिकेशन को हाईलाइट किया ताकि सैमसंग गैलेक्सी S23 की जो डिमांड है, अल्ट्रा की जो डिमांड है, वो चलती चली जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले फेज़ में इन्होंने अपने कैमरा को हाईलाइट किया, सेकंड फेज़ में इन्होंने वीडियो स्टेबिलिटी इंडिकेटर को बताया कि भाई हम सबसे ज़्यादा इमेज स्टेबिलाइजेशन है, और थर्ड क्वार्टर में आके यानी सितंबर में इन्होंने UI 6.0 रिलीज़ कर दी सैमसंग ने, जो कि आपको इस साल सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में भी नज़र आएगी। और उससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए क्योंकि उसमें इन्होंने 3D वॉलपेपर्स, ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर्स, यहाँ तक के आप लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं कैमरे इमेज का। जी हाँ, आपका कैमरा ऑन नहीं होगा, आपने फ़ोन पे लगाया होगा वॉलपेपर, लेकिन उस वॉलपेपर के ऊपर जो कैमरे के आगे जो ऑब्जेक्ट होगा या कैमरे के आगे जो व्यू होगा वो डायरेक्टली उसको दिखा रहा होगा। तो जो कि पहले किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम ने, किसी ने भी वो UI रिलीज़ अभी तक नहीं किया, ना ही ओप्पो ने, ना ही शाओमी ने, ना ही रियलमी ने, ना ही वनप्लस ने, ना ही नोकिया ने, ना ही टेक्नो, इन्फिनिक्स या आईटेल ने, सैमसंग ने वो अक्टूबर 2023 में रिलीज़ कर दिया था कि आप ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने सामने वाली इमेज का। यानी मैं अगर गार्डन में हूँ और मैं वॉलपेपर लगा लूँ, लाइव वॉलपेपर, ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर का नाम है उसमें, तो मेरा वॉलपेपर के ऊपर मेरे सारे आइकन्स मौजूद रहेंगे और सामने मुझे इमेज भी नज़र आ रहा होगा। तो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग अबाउट UI 6.0। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो फरवरी 2023 में ये इसका 256 वेरिएंट की अगर मैं बात करूं, 8/256 GB वेरिएंट की, तो ये लॉन्च हुआ था कोई 3400 दिरहम का, पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं कोई ये 4.25 लाख रुपए, और अगर मैं इंडियन बात करूं तो ये तकरीबन बनते हैं कोई 1.25-1.35 लाख रुपए। और आज तक इसमें सिर्फ 200-250 दिरहम की कमी वाकई हुई है, और आज भी ये फ़ोन यानी जनवरी 2024 में 3100 दिरहम का ही अवेलेबल है। सो दैट इज़ वॉट सैमसंग वैल्यू हैज़ क्रिएटेड। कि वरना ऐसा होता है, आपको पता है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ क्या होता है, 13 प्रो मैक्स के साथ क्या होता है, या टेक्नो या इन्फिनिक्स या आईटेल्स के साथ क्या होता है, जब उनके नए मॉडल्स आ रहे होते हैं तो पुराना मॉडल जो है वो छत से ज़मीन पे गिर रहा होता है, लेकिन सैमसंग ने S23 अल्ट्रा में ये गेम बरकरार रखा। सो दिस इज़ द एपिसोड ऑफ हीरो मॉडल ऑफ द ईयर, हीरो प्रोडक्ट ऑफ द ईयर ऑफ 2023, जिसका सेहरा जाता है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को। एंड वी विश सैमसंग एंड देयर टीम ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग
2024 हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सैमसंग गलेक्सी S24 का डिज़ाइन कैसा होगा। ज़्यादातर जो रूमर्स आ रही हैं डिज़ाइन वुड बी सिमिलर, तो हो सकता है बॉडी कर्व से थोड़ा स्क्वायर कर दी जाए, थोड़ी फ्लैट कर दी जाए, बैक साइड के ऊपर थोड़ा सा और फ्लैट कर दिया जाए। मुझे नहीं पता, कुछ रूमर्स ये भी मिल रही हैं कि सैमसंग विल ब्रिंग टाइटेनियम जस्ट लाइक आईफोन 15 फिनिश, बट आई रियली डोंट नो, क्योंकि आईफोन ने टाइटेनियम निकाला अक्टूबर में, देन नवंबर में शॉमी ने अपना शॉमी 13 प्रो में की सीरीज़ में टाइटेनियम निकाल दिया। अब आई डोंट नो कि अगर सैमसंग भी अगर ये निकाल दे तो हमें कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। Sick of being alone.